अस्सलाम वालेकुम दादी, क्या हाल चाल है? आई होप कि आप सब लोग बहुत खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे, तबीयत वबीयत आपकी सब ठीक होगी। और पहली बात तो मेरी तरफ से तमाम इंडियंस को चांद मुबारक, चांद मिशन मुबारक। बाकी मैं खुद इस पर अप्रिशिएट करता हूँ, पहले भी ये मिशन इन्होंने ट्राई किया था और ये सक्सेस नहीं रहा। से कई हमारे के पॉलिटिशियन में भी बड़ा मजाक उड़ाया और ये अच्छी बात भी नहीं है। आप उनको, हम लोग भी पाकिस्तान में यही कहते हैं कि इंडियन को एज अ राइवल देखा जाए, ना कि एज अ एनिमी, यानी कि कंपटीशन जो हो, लोग हमारे उनके दरमियान कंपटीशन हो और कंपटीशन में मज़ा आता है, वो भी हेल्दी कंपटीशन हो। हर वक्त नेगेटिव बातें, नेगेटिव सोच ये रखना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वाकई में आप लोगों ने मुसलसल मेहनत, जद्दोजहद, अपनी पूरी लगन, आपने पूरा जान लगाई आपने, और वाकई में मैंने पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस मैंने देखा है। और ये पॉजिटिव रिस्पांस वाकई में आना भी चाहिए हर एक की तरफ से। जब बंदा कुछ सक्सेस करता है तो उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ भाई, एक तरफ तो हम बड़ा झंडा बनाने में लगे हुए, दूसरी तरफ इंडिया ने चांद में जाके झंडे लगा दिए। मैं यही चाहूँगा कि दोनों मीडिया की तरफ से जो है ना, अच्छा अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया जाए इसके बारे में। ठीक है, नेगेटिव थोड़ा बहुत मीडिया को, क्योंकि हम अपना टीआरपी जो है, अपना प्रोडक्ट को, अपनी जो है क्या कहते हैं, पब्लिक बढ़ानी होती है, अपना पब्लिक का रिएक्शन चाहिए होता है, पर हर वक्त नेगेटिव बातें अच्छी नहीं लगती है। और रियली आप लोगों ने जैसे सक्सेस हासिल किया है, सक्सेस के लिए वाकई में बड़ी बड़ी अप्रिशिएट, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन टू ऑल इंडिया एंड पाकिस्तानियों से भी बोलूँगा कि भाई आप भी पॉजिटिव रहें। और कोई बात नहीं, साइंटिस्ट जो है आपके, हमारे जो है साइंटिस्ट पाकिस्तानियों के, जो भी साइंटिस्ट हैं उनको आप अप्रिशिएट करें। ये अफसोस की बात है कि कई पाकिस्तान के ब्रेन जो है वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, कई पाकिस्तान के जो अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग मुझसे बाहर जा रहे हैं। पर मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत से भी कि प्लीज़ आप उन सबको भी ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें और पाकिस्तानियों को पूरी अपॉर्चुनिटी दें, उनको ओपन अपॉर्चुनिटी दें कि वो खुल के अपने सारे काम कर सकें। उनके बीच में जो भी रुकावटें आ रही हैं तो उनको वो रुकावटों को ख़त्म किया जाए। और इंडियंस रियली सैल्यूट यू गाइस। बाकी में आप लोगों ने फवाद चौधरी को जिस तरह से आपने जवाब दिया अपने मेहनत से, और उन्होंने डेफिनेटली बड़ी बदतमीजी से वो बात की थी, हम सब भी इससे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि भाई आपने अपनी मेहनत की है, आपकी मेहनत बड़ी, वो चंद्रयान चंद्रयान 1 और 2 जो है, वो चंद्रयान जो है जैसा फेल हुआ तो उस पर एटलीस्ट आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो उनको चाहिए था कि आप लोग सबको लोग अप्रिशिएट करते। लेकिन जो है आपने जो है वो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया उनको, तो ये हमारे तरफ से जो पॉलिटिशन थे उन्होंने, क्योंकि वहाँ मेरे रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, उन्होंने इस तरह से बड़ी अच्छा अच्छी बात की थी। पर अब वैसे ही मैं अपने पाकिस्तानियों जितने मैं जितने इंडियंस को जानता हूँ, डेफिनेटली वो बहुत तमाम इंडियंस वॉकिंग है, बहुत नाइस है, बहुत अच्छे तरह से आपसे बिहेव करते हैं और अच्छे पेश आते हैं। और मैंने कहीं देखा हमारे, इवन हम जितने भी इंडियंस से बात करते हूँ, या हमारे दिन में कभी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई बुरी बात नहीं हुई, कोई ऐसी उनके तरफ से कुछ हर बात को ले लेके झगड़ा नहीं हुआ, ना ही हमारे तरफ से उनके लिए झगड़ा हुआ। हमेशा उसके लिए वो हमारे पास पहुंच जाते हैं, मदद के लिए हमारे पास वो पहुँच जाते हैं, हम उनकी मदद के लिए पहुँच जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मदद मतलब सिर्फ पैसों के लिए रहते हो, आप मेंटली तौर पर अगर आप डिस्टर्ब हो, मेंटली तौर पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो, असाइनमेंट में कोई हेल्प चाहिए हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और डेफिनेटली देखिए, हमें जैसे हमें पैदा किया है, हम पाकिस्तान में पैदा हुए, तो हम लोग इंडिया में पैदा हो सकता था फ्यूचर में कि आप लोग पाकिस्तान में पैदा होते और हम लोग इंडिया से पैदा होते, तो कुछ भी हो सकता था। तो बेहतर ये है कि आप एक दूसरे को, जहाँ बुरा है हम आपको बुरा बोलो, पर जहाँ कोई बंदा अच्छा काम करता है उसको रियली रियली अप्रिशिएट किया करो। और कई लोग जो है वो इस बात का मजाक उड़ा रहे कि चंद में जाके क्या कर लिया, चांद में जाके क्या कर लिया, यार इस पे तो कई लोगों ने पॉडकास्ट किए हैं, कई लोगों ने कई बातें बताई हैं,
कि ये सिर्फ एक चांद पे जाने का प्रोसेस जो है ना, इस प्रोसेस में आप काफी कुछ सीखते हो, काफी कुछ इम्प्रूव करते हो, आप जो है अपने जो है क्या कहते हैं आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, आपकी काफी टेक्नोलॉजी आप लर्न कर रहे होते हो, वहाँ मिनरल्स आपके पास आते हैं, मिनरल्स को आप लर्न कर सीख रहे होते हो, फिर मिनरल्स आपके सामने से आना जाना, फिर आप हवा को पूरा पूरा एक पूरा साइंस इसमें शामिल है, जो जो साइंस जिसका साइंस से रिलेटेड है उनको पता होगा साइंस क्या है, फिर पूरी मैथ क्या इसमें शामिल होती है, कैलकुलेशन शामिल होती है पूरी, फिर यहाँ से अर्थ से निकलना और चांद तक जाने के लिए। अब लोग कई लोग ये समझोगे कि रॉकेट सीधा सीधा चलेगा चांद में, ऐसा नहीं होता, बाकी तो वो चक्कर लेते हैं, उनका एक प्रॉपर वो मैथ्स होती है उसमें शामिल होती है कि भाई हम किसी और किसी ऑर्बिट से या किसी चीज़ से हल्के से भी अगर हम टकरा जाएंगे तो हमारा जो रॉकेट है वहीं के वहीं ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इसमें इंफॉर्मेशन वार है, समझ लेंगे ये इंफॉर्मेशन वार है, और मैं यही बोलूँगा कि भाई जो भी अगर वैसे तो अभी तो मैं देख नहीं रहा हूँ कि कोई पाकिस्तानी या कोई भी जो है इंडियन या इंडियन की सक्सेस सॉल्व कर रहा है, हाँ वो अपने 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 ऊपर ही जो मीम्स बना रहे हैं कि भाई वहाँ पे जो है एक हैप्पी पैलेस बना दिया, या हमारी टांगे की ज़्यादा ऊँची है, या फिर जो है ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि यार हमारे लिए तो चांद यही है कि हम जो है यूरोप में चले गए या अमेरिका का वीज़ा मिल गया, यही हमारे लिए चांद है। तो यार ऐसी बात भी चलो मजाक के तौर पर सही है, पर ऐसी बातें भी ना करें, और दोनों मुल्क जो है एक दूसरे के साथ जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप जितना अच्छा रखेंगे उतना हमारे लिए सबके लिए अच्छा होगा। और एंड में मैं जिससे इंडियंस को थोड़ा मिनट को कंग्रेचुलेशन कहता हूँ, और तमाम के तमाम पर्सन को भी ये बोलता हूँ कि आप जो है मेहनत और लगन से अपने सक्सेस अपनी सक्सेस को ही लिखो। थैंक यू।